मुझे भी सरकार ने इंदौर में मेट्रो ट्रेन के 23 सितंबर को फाइनल ट्रायल रन के दावे किए थे जो कि झूठे साबित हुए। इंदौर में शिवराज सरकार द्वारा लगातार भ्रम फैलाकर और झूठ बोलकर यह दावा 3 माह से किया जा रहा था कि 23 सितंबर 2023 को फाइनल सेफ्टी ट्रायल रन मुख्यमंत्री सांसद विधायक एवं शहर के गणमान्य नागरिकों को मेट्रो में बैठाकर ट्रेन का सफर कराया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा झूठा साबित हुआ। जब हमारे संवाददाता ने इसके बारे में पूछा तो प्रदेश सचिव राकेश यादव ने बताया कि इंदौर मेट्रो ट्रेन निर्माण का बजट कम कर दिया गया है, इस वजह से इंदौर मेट्रो का निर्माण लगातार पिछड़ता रहा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राजेश सिंह यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। 23 सितंबर का दावा झूठ का पुलिंदा साबित हुआ। दरअसल निर्धारित क्षेत्र में न तो स्टेशन बन पाए हैं, ना ही ट्रैक का कार्य पूर्ण हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि ग्रीन गेट बांधकर इंदौर में मेट्रो ट्रेन चलाने का झूठ बोलने वाली शिवराज सरकार विश्व में नंबर 1 बंटाधार सरकार है। शिवराज सरकार में यदि मेट्रो ट्रेन के काम की यही रफ्तार रही तो अगले 1 साल भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री को एलान सिंह चौहान भी कहा, घोषणाएं कर रही है, विकास की बात करते थे, विकास से बह गया है पूरे मध्य प्रदेश में, और ट्रेन की भी घोषणा की थी कि बस 23 में प्रारंभ हो रही, अभी तक प्रारंभ नहीं हुई। जो मेट्रो ट्रेन प्रारंभ होनी है, इस कारण आज जनता के साथ में सभी लोगों के समक्ष हम लोग आए हैं ना, मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन। शहर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में, क्योंकि घोषणाओं का अंबार लगा दिया मामा जी ने। अब उनका 23 सितंबर का वादा था कि अभी 23 सितंबर को मेट्रो चालू करा देंगे, अब वो नहीं करा पाए तो हमने बच्चों की जो मेट्रो है छोटी मोटी नेहरू पार्क की फादर बिस्किट ने डोनेट किया था, ये बिस्कुट पार्क, ठीक है, अब उसमें एक बच्चों की बहुत ऐतिहासिक ट्रेन चलती है, उसमें ही हम लोगों ने आनंद लिया। अब मामा की फर्जी योजना, वो कहते हैं ना काने वो गूंगा मामा, काना मामा, नहीं मामा से तो वाला मामा अच्छा, अब वाली मेट्रो नहीं तो वाली मेट्रो अच्छी। मामा जी के घोटाले तो मशहूर हो गए हैं पूरे विश्व में, कहीं महाकाल घोटाला, पटवारी घोटाला, मतलब व्यापम घोटाला, जितने भी घोटाले आप देखो मामा घोटालों में पहले नंबर है। और आज देखिए उन्होंने एक फर्जी घोषणा करी थी, उसको उन्होंने बोला मामा ने 23 सितंबर को हम इंदौर में मेट्रो ट्रेन सबको सौगात के रूप में देंगे, जो माननीय कमलनाथ जी ने दी थी, लेकिन वो भी झूठी घोषणा। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि 23 सितंबर को हम लोग मेट्रो ट्रेन चला के पूरे इंदौर की जनता को उसमें नगर भ्रमण करवाएंगे, लेकिन वो झूठा निकला। तो हमने चलो एक काम करते, हम ही एक बच्चों की ट्रेन में घूम के एक आनंद ले लेते हैं, भैया की वाले मामा जी ने झूठ बोला था तो हमें अपना मन खुश कर लेते, जो यहाँ सरकार की तरफ से एक बच्चों के लिए चलती है ट्रेन उसमें घूम के हम सोच लेंगे कि भैया मेट्रो ट्रेन चल रही है, इसका आनंद ले रहे हैं हम भी, और हमने वो आनंद लिया। मेरे को मामा के नाम से भी पहचानते हैं, और 23 तारीख को मेट्रो की घोषणा मैंने करी थी। वैसे तो कई घोषणाएं झूठी और करी है मैंने, और इस घोषणा के तहत आज मैंने ये नेहरू पार्क में बच्चों की मेट्रो चलाई है, और इस मेट्रो में सबका आनंद लिया है, और सब इंदौर वासियों को मैं चाहता हूं कि सारे इंदौर वासी इस मेट्रो का आनंद ले, जिंदाबाद। देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े बड़े विज्ञापन देके ये घोषणा की थी कि 23 तारीख को मेट्रो का ट्रायल रन हो जाएगा, 23 तारीख को फाइनल ट्रायल रन होके मेट्रो इंदौर की जनता को मिल जाएगी, इंदौर के गणमान्य नागरिक उसमें सफर करेंगे और मेट्रो का आनंद लेंगे। ये घोषणा इस दम पे की गई थी कि 23 तारीख को उस मेट्रो को चलाने के बाद वोट हासिल किए जाएंगे, लेकिन इसके 6 महीने पूर्व मैंने एक इनाम घोषित किया था कि अगर 23 तारीख को आप मेट्रो चला देंगे तो आपको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आज वो तारीख पूरी हो गई है, मेट्रो के अते पते नहीं है, स्टेशन लापता है, पटरी बिछी है, उसका सामान्य ट्रायल रन चल रहा है, सेफ्टी ट्रायल रन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, MRC की कोई परमिशन नहीं है। इसके बाद भी इतने बड़े बड़े झूठ मुख्यमंत्री ने बोले कि 23 को मेट्रो का समर्पण जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। तो आज यहाँ नेहरू पार्क में आके ये बताया है मुख्यमंत्री को कि आपने तो मेट्रो ट्रेन नहीं दी, लेकिन हमने इस ट्रेन में गणमान्य नागरिकों को बिठाया, शहर की आम जनता को, और उनको बोला कि एक झूठा मुख्यमंत्री है जो लगातार झूठ बोलता था, वो यही बच्चों की ट्रेन दे सकता है, इसी में बैठ के आपको घूमना है। अगर वो ईमानदार मुख्यमंत्री होता तो 23 को ये ट्रेन चल चुकी होती। आज अगर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते तो शायद हम उसी ट्रेन में बैठ के इंटरव्यू करते होते, लेकिन ये दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि पिछले 2 साल से जो बजट देना था मेट्रो का वो बजट नहीं दिया गया। सारी डिटेल मैंने अभी भी जारी की है, वो मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो स्वीकार करे कि वो ट्रेन चलाने में असफल रहे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।